नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज की वीडियो फ्यूल के जायजे के ऊपर होने वाला है। आपने कई बार देखा होगा कि मोबाइल में इनकरेक्ट बैटरी परसेंटेज दिखाता है और टेम्परेचर टू हाई या लो का प्रॉब्लम आता है। देखिए ये सारे प्रॉब्लम फ्यूल के आईसी की सर्किट से होता है या फिर आईसी से हो सकता है, बट आपको सही नॉलेज ना होने की वजह से आप ट्रेसिंग करके ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं फ्यूल गेज आईसी की पर्दाफाश करूंगा कि इस आईसी की वजह से मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इनको कैसे ठीक करना है। एकदम आसान भाषा में और डीप नॉलेज के साथ सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। दोस्तों ये जो फ्यूल गेज आईसी है ना, ये आईसी कुछ एमआई, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल और भी मॉडल में इस आईसी का इस्तेमाल किया गया है बैटरी का स्टेटस निगरानी करने के लिए। मतलब कि बैटरी टेम्परेचर, बैटरी की चार्जिंग परसेंटेज और बैटरी कितना एम्पियर में चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, उस करंट को मेजर करने के लिए इस आईसी को यूज़ में लिया गया है। बट आज के टाइम में जो फ़ोन बन रहा है उसमें इस आईसी को पावर आईसी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। दोस्तों BQ25601 चार्जिंग आईसी या DC-to-DC आईसी की वर्किंग जानने के लिए क्लिक करें आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, वीडियो का लिंक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले Chapter 1 वीडियो को देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों DC-to-DC आईसी पे जब बीवस वोल्टेज चिन्ह होता है तब DC-to-DC आईसी बैटरी को चार्ज करने के लिए एक लाइन आउट करता है जिसका नाम होता है चार्ज आउट। इसमें 4.2 वोल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ये लाइन एक शंट रजिस्टर में से होके बैटरी में जाता है। देखिए दोस्तों शंट रजिस्टर का काम इस सर्किट में क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से एक डिटेल वीडियो है, आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ और देखो, क्योंकि इस शंट रजिस्टर खराब होने की वजह से मोबाइल डेड भी हो जाता है, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए इस शंट रजिस्टर की दो साइड से दो लाइन फ्यूल के आईसी में इन होता है, SRP और SRN, शंट रजिस्टर पॉजिटिव और शंट रजिस्टर नेगेटिव। देखिए दोस्तों इन दोनों लाइनों का काम शंट रजिस्टर से वोल्टेज ड्रॉप की इन्फॉर्मेशन को फ्यूल गेज आईसी तक पहुंचाना, जिससे फ्यूल गेज आईसी और CPU आईसी मिलके यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को प्रोग्रामिंग के थ्रू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट को मेजर करता है और कंट्रोल भी करता है। देखिए दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करके चार्जिंग करंट को और बैटरी से जब मोबाइल चल रहा है तब बैटरी से कितना करंट मोबाइल यूज होने के लिए कंज्यूम कर रहा है, तो उसी करंट को शंट रजिस्टर से और इन दोनों लाइन से CPU मेजर करता रहता है और मोबाइल में बैटरी की परसेंटेज शो करवाने का काम ये शंट रजिस्टर और ये SRP लाइन और ये फ्यूल गेज आईसी भी होती है। देखिए दोस्तों SRN का काम चार्जिंग करंट की इन्फॉर्मेशन फ्यूल गेज आईसी को सेंस करवाना। दोस्तों जब यूजर मोबाइल में चार्जर लगा के गेम खेलता है तो मोबाइल में लोड भरता है और इस लोड को SRN लाइन से CPU मेजर करता है और लोड ज़्यादा होने की वजह से CPU DC-to-DC आईसी को और हाई एम्पियर और वोल्टेज को बनाने के लिए कहेगा, क्योंकि गेम खेलते टाइम मोबाइल भी तो चार्ज करना है इसीलिए। और SRP का काम बैटरी की करंट को सेंस करवाना और इस SRP की लाइन से मोबाइल में बैटरी की परसेंटेज भी शो होता है। अगर ये शंट रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो मोबाइल ऑन नहीं होगी, क्योंकि BBAT वोल्टेज शंट रजिस्टर के थ्रू DC-to-DC आईसी में जाके BPH वोल्टेज बना के मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन दोस्तों इस शंट रजिस्टर से करंट सेंसिंग को वोल्टेज ड्रॉप के थ्रू फ्यूल गेज आईसी पता करता है और बैटरी परसेंटेज भी पता लगाता है और CPU को ये सारे इन्फॉर्मेशन एक डिजिटल सिग्नल बन के जाता है जिसको SDA और SCL कहा जाता है। अगर मोबाइल में उल्टा सीधा बैटरी परसेंटेज बता रहा है तो आप डायरेक्ट फ्यूल गेज आईसी को चेंज कर देना। दोस्तों स्मेटिक डायग्राम को पढ़ना सीखने से काम नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी लाइन एक्टिव होता है और डीएक्टिवेट होता है और किस लाइन की काम आईसी में क्या होती है। अगर आपको इन सब चीज़ें पता हो जाएगा तब आप कोई भी मोबाइल में किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चेक करके ठीक कर लोगे। दोस्तों आपको पता ही है किसी भी आईसी को चलने के लिए एक वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर देखिए फ्यूल गेज आईसी की C3 पॉइंट में BBAT लाइन जुड़ता है और C1 में भी जुड़ता है, बट C1 पॉइंट सेंसिंग की काम करती है और C3 आईसी की पॉजिटिव पॉइंट होती है। इस पॉइंट में जो BBAT वोल्टेज आता है उसी से आईसी चलती है और इस लाइन में कुछ डायोड और कैपेसिटर भी जुड़ता है वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। इसके बाद B2 पॉइंट जिसका नाम BSS वोल्टेज सोर्स सप्लाई
जो डायरेक्ट ग्राउंड पॉइंट होती है। तो दोस्तों आईसी की पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन और एसआरपी एसआरएन की फंक्शन हम समझ गए। आप मेन कनेक्शन को देखते हैं, जो कि दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल में बैटरी कनेक्टर पे चार पॉइंट होती है, पॉजिटिव आईडी थर्मल ग्राउंड। देखिए आईडी की लाइन डायरेक्ट पावर आईसी में जाके जुड़ता है और थर्मल की लाइन कनेक्टर से होके डायोड और कैपेसिटर इस लाइन में जुड़ के एक 0 ओम रजिस्टर से होके ये लाइन फ्यूल गेज आईसी की बल नंबर B1 बॉल नेम BIN मतलब कि बैटरी इन पॉइंट पे जुड़ता है। और इस लाइन में आईसी की B3 पॉइंट से VDD 1.8 वोल्ट एक 1 मेगा ओम रजिस्टर देके जुड़ा जाता है। दोस्तों देखिए स्मेटिक डायग्राम में आईसी की इस पॉइंट पे 0 ओम रजिस्टर देके बैटरी थर्मल की लाइन दिया जाता है। दोस्तों ये लाइन बैटरी के अंदर की सर्किट में एक 10K थर्मिस्टर से आ रहा है और थर्मिस्टर की एक साइड ग्राउंड से जुड़ा रहता है कुछ इस तरह से। और देखिए आईसी की VDD पॉइंट से एक 1 मेगा ओम रजिस्टर देखे यहाँ पर 1.8 वोल्ट दिया गया है। देखिए दोस्तों VDD 1.8 वोल्ट और इन तीनों रजिस्टर मिलके इस लाइन के थ्रू बैटरी की कनेक्टिविटी से लेके टेम्परेचर हाई और लो का इन्फॉर्मेशन CPU में जाता है। दोस्तों अगर आप बैटरी निकाल के चार्जर लगा के इस थर्मल की लाइन में चेक करोगे तो आपको 1.8 वोल्ट दिखेगा, जिसका मतलब हुआ फ्यूल गेज आईसी से थर्मल सर्किट के लिए 1.8 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है और आपका आईसी से यहाँ तक लाइन बिल्कुल सही है। और जब मोबाइल में बैटरी लगी हुई रहेगी तब इस बैटरी थर्मल पिन में कुछ मिली वोल्टेज हो जाएगी, क्योंकि 10K थर्मिस्टर और 1 मेगा ओम रजिस्टर से यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कि हमारा बैटरी के अंदर का सर्किट में लगी हुई थर्मिस्टर है और सीरीज में एक 0 ओम रजिस्टर लगी हुई है और इससे 1 मेगा ओम रजिस्टर से 1.8 वोल्ट इस थर्मिस्टर में आएगा और यहाँ से एक लाइन आईसी की BIN पॉइंट में भी जुड़ेगा। दोस्तों थर्मिस्टर की एक साइड ग्राउंड होने के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पर एक वोल्टेज मिलेगा जो होगा 0.017 मिली वोल्टेज। दोस्तों किसी किसी फोन में बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर 0.900 मिली वोल्ट मिलता है और जिस डायग्राम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये Redmi 5e का डायग्राम है। देखिए एक बार ध्यान से समझना, मोबाइल में टेम्परेचर टू हाई और लो का एरर आ रहा है तो कैसे सही करना है, तो आप जो टेक्निक से मैं आपको समझाऊंगा इससे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। देखिए आईसी की VDD और BIN पॉइंट से लेके बैटरी के अंदर के सर्किट तक लाइन पूरी ओके रहनी चाहिए और इन रजिस्टरों और थर्मिस्टर की वैल्यू भी सही रहना चाहिए और आईसी की VDD पॉइंट से 1.8 वोल्ट भी निकलना चाहिए और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से भी ये वोल्टेज डाइवर्ट होनी चाहिए। अगर 1.8 वोल्टेज आईसी से नहीं बनेगी तब फोन में टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम आएगा। अगर वोल्टेज बन रहा है और बैटरी लगाने के बाद यह वोल्टेज डाइवर्ट नहीं हो रही है, मतलब कि 0.017 मिली वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तब टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों 0.017 वोल्टेज 5% अप डाउन होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ ज़्यादा वोल्टेज ऊपर होने से टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम आएगा और कुछ ज़्यादा कम वोल्टेज होने से टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों टेम्परेचर टू हाई रोड की कंडीशन में थर्मिस्टर की वैल्यू हो सकता है कम हो गया होगा या 1 मेगा ओम रजिस्टर की वैल्यू बाहर गया होगा या ओपन हो चुका होगा, आप अच्छे से देख लेना। और टेम्परेचर टू लो का कंडीशन में हो सकता है थर्मिस्टर की वैल्यू हाई हो गया होगा या थर्मिस्टर ओपन हो गया होगा और हो सकता है 1 मेगा ओम रजिस्टर की वैल्यू कम हो चुका होगा या ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो गया है। दोस्तों मतलब कि BIN पिन में 1.8 वोल्ट मिल रहा है बैटरी लगा रहने के बाद, तो मोबाइल में टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम होगा ही होगा और अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो टेम्परेचर टू हाई प्रॉब्लम आएगी। ये वोल्टेज डिफॉल्ट में रहना चाहिए जो कि 0.017 मिली वोल्टेज होता है। इस बात को दिमाग पे बिठा लेना, बहुत काम आएगा। दोस्तों बैटरी के अंदर थर्मिस्टर को बैटरी को बिना खोले कैसे चेक करते हैं आइए बताता हूँ। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रख के बैटरी को मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करके बैटरी के ग्राउंड पिन में एक प्रूफ को रख के दूसरी प्रूफ से बैटरी के कनेक्टर के थर्मल पिन पे चेक करना। इस पे 7K से लेके 10K की बीच वैल्यू मिलनी चाहिए और ये थर्मिस्टर की वैल्यू है। दोस्तों थर्मिस्टर 10K का होता है बट गर्मी के मौसम में टेम्परेचर के कारण थर्मिस्टर की वैल्यू 7K के आसपास हो जाता है। अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है या ज़्यादा वैल्यू आ रहा है
तो आप बैटरी बदल सकते हो या सेम बैटरी की BMS सर्किट लगा सकते हो और उसी BMS सर्किट को रिपेयर भी कर सकते हो। तो अब हम IC की बाकी बची हुई पिन की फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए IC की A2.SDA और A3.SCL फुल फ्रॉम सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। तो दोस्तों ये दोनों लाइन CPU में जुड़ती है और इनमें पावर IC से बीरेज 1.8 वोल्ट 2.2 के रजिस्टर से पुल अप वोल्टेज दिया जाता है। दोस्तों इन दोनों लाइन से CPU को IC की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि टेम्परेचर हाई और लो का एरर, बैटरी की परसेंटेज और चार्जिंग करंट, ये सब चीज़ें CPU इस फ्यूल गेज IC से पता करता है और पता करके कैलकुलेशन करके बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बैटरी की परसेंटेज, टेम्परेचर, यह सब काम को टाइम टू टाइम मेंटेन रखता है। और कुछ भी गड़बड़ी फ्यूल गेज IC में हो जाता है तो CPU IC की वर्किंग बंद कर देता है, जिससे मोबाइल शट डाउन हो जाता है। दोस्तों इन लाइनों में वोल्टेज और CPU तो कनेक्टिविटी ना मिलेगी तो टेम्परेचर की एरर, बैटरी परसेंटेज की एरर, चार्जिंग की एरर आएगा। कई बार फ्यूल गेज IC को चेंज करके या CPU को रिवल करके इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। और इसके बाद देखिए A1 पॉइंट, जिसका नाम GPU आउट मतलब कि जनरल पर्पस आउट होता है, ये लाइन डायरेक्ट CPU में जुड़ता है और इस लाइन में भी बीरेज 1.8 वोल्ट 5.1 के रजिस्टर से दिया जाता है। दोस्तों इस GPU आउट लाइन का काम है फ्यूल गेज IC को डिसेबल करना। इसको ऐसे समझो, अगर फ्यूल गेज IC में जो कंपोनेंट लगा है उनमें से कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है या फिर रजिस्टर की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे जिस पॉइंट पर जितना वोल्टेज मिलना चाहिए था वहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा मिल जाने की वजह से ये कोई भी कंपोनेंट ओपन हो जाती है, तो CPU को इन सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन से पता चल जाता है, जिससे CPU इस लाइन की लॉजिक लो कर देता है, यानी कि इस लाइन में जो 1.8 वोल्टेज पहले आ रहा था तो उस टाइम इस लाइन का लॉजिक हाई था, बट CPU कुछ भी गड़बड़ी इस फ्यूल गेज IC से पाता है तो इस 1.8 वोल्टेज को CPU डायरेक्ट ग्राउंड कर देता है, जिससे फ्यूल गेज IC वर्किंग बंद कर देता है और कुछ ना कुछ एरर मोबाइल में आ जाता है। दोस्तों कोई भी IC को सिर्फ लॉजिक लो और लॉजिक हाई का भाषा समझ में आता है और इसी डिजिटल सिग्नल को इस्तेमाल करके IC को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों इस IC का फ्यूल गेज नाम पड़ा है गाड़ियों की फ्यूल मेजर करने के सेंसर से। देखिए गाड़ी में डिजिटल मीटर में जो फ्यूल का लेवल शो होती है वो एक फ्यूल गेज सेंसर की मदद से इस सेंसिंग बोलो या मेजरिंग बोलो इस सिस्टम को बनाया जाता है, जिससे गाड़ी की पेट्रोल को मापा जाता है कि गाड़ी में कितनी पेट्रोल है। तो उसी टेक्नोलॉजी को देख के मोबाइल की बैटरी का स्टेटस की सिस्टम को बनाने के लिए फ्यूल गेज IC का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।